औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जस्ट बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, तो प्लीज़ काइंडली, इट इज़ फॉर ऑलवेज़, हमेशा आप लोग एक दफ़ा दरूद पढ़ लिया करें और एक दफ़ा कलमा ज़रूर पढ़ लिया करें। वेन एवर यू सी माई लेक्चर, प्लीज़ डू मी अ फेवर, हेल्प मी इन दिस रिगार्ड एंड रिसाइट दरूद एंड कलमा फर्स्ट एंड देन स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है? उसमें अल्लाह ताला की बरकत फिर बढ़ती जाती है आपकी लर्निंग के लिहाज से भी और हमारे पढ़ाने के भी लिहाज से। थैंक यू बच्चों, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स खाने वाले, मतलब कि जिस तरह से आप ये समझें कि उन्होंने किसी भी चीज़ को पकड़ के बस तबाही मचानी है, तोड़ना है, उन्होंने उस किसी भी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर देना है, किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देना है, कि ये इस तरह के जो पाए जाते हैं सब्सटेंसेस हैं, बनते तो इंसानी जिस्म के अंदर हैं, बनते भी ये लिविंग सेल्स हैं। जैसे हमने हार्मोन्स का पढ़ा था, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, ठीक है? तो इसलिए इनको बायोलॉजिकल तो हम कहेंगे कि इंसान बना रहे हैं, इंसानों के सेल बना रहे हैं लिविंग सेल्स, तो दीज आर बायोलॉजिकल। अब चूंकि ये किसी भी रिएक्शन को बहुत तेज़ कर देते हैं, किसी भी खाने का जो मवाद होता है ना, कि मैं चिकन खा रही हूँ, अगर जब मैं चिकन खाती हूँ तो चिकन में क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन हमारे जिस्म के अंदर, ये तो मैं प्रोटीन फार्म में ले रही हूँ, लेकिन प्रोटीन जिस्म के अंदर जब मैदे में जाएगी, आंतों में जाएगी और कहीं पे मेरी कट लगा हुआ है, अगर मेरा इस जगह पे हाथ के ऊपर कट लगा हुआ है और उस कट ने भरना है, वहाँ पर आपको पता है धागे बनते हैं, फिब्रिनोजेनेसिस होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, सारा मामला, फिर जब एंड पे सिलाई हो जाता है ज़ख़म बिल्कुल और पता भी नहीं चलता कि ज़ख़म था कि नहीं, तो ये सब किस वजह से था? ये प्रोटीन्स हमें चाहिए होते हैं इस मकसद के लिए। तो ये प्रोटीन्स, अब मैं चिकन भी खा रही हूँ, मैं दाल भी खा रही हूँ, मैं अंडा भी खा रही हूँ, मैं सारा कुछ खा रही हूँ, तो क्या वो डायरेक्ट जाकर इसके ऊपर काम करेगा? नहीं, मैं तो बड़ी फार्म में ले रही हूँ, प्रोटीन फार्म में, बड़ी फार्म में, वो तो मुझे मेरे जिस्म में जो यूज़ होगा वो तो छोटी छोटी फार्म में यूज़ होगा। तो इस बड़ी फार्म से छोटी छोटी फार्म तक इस्तेमाल होने में कौन काम करता है, इसको यहाँ तक फिर पहुँचाने में कौन काम करता है? तो वो एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स किसी भी हमारे जो खाने के मटेरियल्स हैं उनको तोड़कर छोटी फार्म में इस हालत में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में जगह जगह पे मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ हो सके, ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ हो सके, ज़ख्मों के भरने के लिए यूज़ हो सके। अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिल्द के हैं, जिल्द नरम व मुलायम और ख़ूबसूरत बनानी है तो फिर उसके लिए आपको फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स लेने पड़ते हैं, सब्ज़ियाँ, फल और फैट्स, दही और आपको देसी घी और ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं। जब ये चीज़ें लेना शुरू कर दोगे तो ये देसी घी और ये मेरे मुँह में गया है तो मेरे मुँह में ही टूटना शुरू हो गया, हालत तब्दील हो गई, फिर मैदे में गया दोबारा टूटना शुरू हो गया, फिर हालत तब्दील हो गई, फिर आंतों में गया फिर टूटना शुरू हो गया। तो ये तोड़ फोड़ का निज़ाम कौन कर रहा है? देयर इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन, कौन कर रहा है ये? तो ये एंजाइम्स होते हैं, ठीक है? सो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर कि ये एंजाइम्स, और एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कहते हैं क्योंकि ये बनते लिविंग सेल्स हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये कैटलिस्ट इनको कहते हैं। कैटलिस्ट का मानी होता है तेज़ कर देने वाला, किसी भी चीज़ को स्पीड बढ़ा देने वाला। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बनती कहाँ से? लिविंग सेल से, और ये किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो किसी भी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देने वाले को हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट चूँकि अब लिविंग सेल से बन रहे तो हम इसको क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स, दैट वाटर एंजाइम। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दीज आर बायोलॉजिकल का मतलब लिविंग सेल्स से बनते हैं, कैटलिस्ट का मतलब ये किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और अगर लफ्ज़ी मतलब कहो जैसे मेरा नाम है, अगर मेरा नाम है शाइस्ता तो इसका मकसद है बा इखलाक। तो लफ्ज़ी मतलब उर्दू में एंजाइम का मतलब है तोड़ने फोड़ने वाला, ठीक है? तोड़ने फोड़ने वाला, जैसे खानों को तोड़ फोड़ के उनकी छोटी हालत में कन्वर्ट करने वाला, ताकि उस हालत में वो जिस्म में कहीं पे भी इस्तेमाल हो सके। अंडा एज इट इज़ आपकी आंतों तक इस्तेमाल नहीं होता, अंडा टूटता है, उसमें से उसके ज़रूरी अज़ा को एब्जॉर्ब किया जाता है, सही? सो एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, और एंजाइम्स बनते क्या हैं? अब इनका मसाला क्या है? आई ऑलवेज़ यूज़ दिस वर्ड मसाला, ठीक है? किसी भी सालन बनने के लिए जो मसाला, टमाटर, प्याज, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। बींग अ फीमेल आई ऑलवेज़ यूज़ टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ किचन, बावर्ची खाना एंड खाना शाना एक्सेट्रा। तो मसाला क्या होता है? मसाला अब इसका प्रोटीन से मिलके बनता है, मींस ज़्यादातर दालें, ज़्यादातर अंडा, ज़्यादातर चिकन, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनसे जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनसे एंजाइम बन रहा है। तो अब एंजाइम काम करता है
हर किस्म की चीज़ को थोड़ने पोड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, मेरे मुंह के अंदर भी एंजाइम्स हैं, मेरे गले के अंदर भी एंजाइम्स हैं, मेरे मैदे के अंदर भी एंजाइम्स हैं, मेरी आंतों के अंदर भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स हर जगह बैठे हुए हैं। अब ये बड़े नवाब किस्म के होते हैं, ये ऐसे काम नहीं करते, इनकी तुम ज़रूरियात पूरी करोगे बच्चों तो ही जाके ये काम करेंगे। मीन्स इनको टम्परेचर इनकी मर्ज़ी का चाहिए, इनको पीएच इनकी मर्ज़ी की चाहिए। हर एंजाइम ऐसे नहीं है कि वो गुजारा करने वाला हो और दरवेश किस्म का हो कि मुंह में भी पड़ा हुआ है तो बस उसी टम्परेचर पे काम कर रहा है। बहुत ठंडा टम्परेचर है मेरे मुंह का, मेरे एंजाइम से ही काम नहीं करेंगे। उनको एक अच्छा टम्परेचर चाहिए होता है काम करने के लिए, तकरीबन 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आंतों में जाएंगे तो अलग टम्परेचर और पीएच, ये दो चीज़ें टम्परेचर और पीएच अपनी अपनी मर्ज़ी का, ये बादशाह सिफत होते हैं, ये अपनी मर्ज़ी का हर एंजाइम टम्परेचर भी लेता है और पीएच भी लेता है, ठीक है। अब एंजाइम का रिएक्शन होता कैसे है, अब फॉर एग्जांपल के एक एंजाइम की शक्ल कैसी होती है, ये आपको नीचे जो दिखाई दे रही है एंजाइम, ये किस मिसाले से बना है, प्रोटीन से मिलके बना है, ये चीज़ क्लियर हो गई, प्रोटीन से मिलके बना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये निकला कहाँ से है, कहाँ से ये आकर निकलता है, लिविंग सेल से ये निकलता है। लिविंग सेल से निकलने के बाद ये काम क्या करता है, तो ये मिल के किसी के साथ स्पीड बढ़ाता है रिएक्शन की और फिर उससे हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बना कर देता है, फिर प्रोडक्ट उसके साथ से निकल जाता है और फिर यही सेम एंजाइम दोबारा काम करना शुरू करता है। मींस इस कदर मजबूत होते हैं कि ये एक जगह काम करके ना दूसरी जगह फिर दोबारा काम करते, तीसरी जगह, तो सेम एंजाइम जगह जगह काम कर रहा होता है, तो ये दोबारा यूज़ हो सकते हैं। मीन्स दे इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग यूज अप, मीन्स ये यूज़ नहीं होते हैं, खुद यूज़ नहीं होते, ये अपने साथ वाले को इस्तेमाल करके उससे ही आगे प्रोडक्ट बनवाते हैं और फिर खुद निकल के कहीं और जाके काम करना शुरू कर देते हैं। इधर मदद करके वो चले गए, वो आगे मदद करेंगे, सही है। तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलके बनते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन जिनके अंदर मौजूद हो उनको हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल भी होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं, ये प्रोटीन इन नेचर, मींस ये मसाला प्रोटीन का बना हुआ होता है, उससे ये मिलके बनते हैं। और चौथी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक होते हैं एंड नॉन कार्बन कंटेनिंग आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैंने जैसे अब कहा कि हर एंजाइम को काम करने के लिए एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो तकरीबन 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये बड़ा अच्छा एंजाइम काम करता है, ज़बरदस्त मेन, ये सबसे अच्छी जो इसकी रेंज है टेम्परेचर की। अब इससे ऊपर और इससे नीचे जितने टेम्परेचर होंगे उनके ऊपर या तो वो बहुत हल्का काम करेगा या काम करना ही छोड़ देगा, सही हो गया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs रिगार्डिंग योर एग्जाम से, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो वो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये लास्ट एग्जाम्स में भी ये आ चुका है MCQs। अब ये है एंजाइम, ठीक है। अब इसके अंदर सबस्ट्रेट जो होता है वो कहाँ पे आके लगता है, जो एंजाइम होता है बच्चों, ये वाला नीचे वाली जो कॉली बनी हुई है, जो कॉला बना हुआ है एक, ये एंजाइम का है। इसके ऊपर ये देखें छोटी छोटी टोकरियाँ बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, इन टोकरियों को हम क्या कहते हैं, ये वो जगह होती है कि जहाँ पर आकर जो भी सामान है जिसके साथ हम लोग ने रिएक्शन करना है ना वो आके लगेगा, ठीक है। तो वो जो रिएक्शन करने के लिए लगेगा वो क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट होता है। अब वो जो मैं आपको कह रही हूँ कि वो जो टोकरियाँ होती हैं छोटी छोटी, ये एंजाइम है ना पूरा का पूरा नीचे वाला, तो इसके ऊपर आके सबस्ट्रेट लगेगा। सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिसके साथ एंजाइम ने मिलके काम करना होता है, हमारा वो सामान जिसको हम लोगों ने तोड़ कर छोटे छोटी चीज़ों में कन्वर्ट करना होता है वो सबस्ट्रेट होता है। तो सबस्ट्रेट जब लगता है ना एंजाइम के ऊपर, तो एंजाइम को कैसे पता चलता है कि ये मेरा वाला सबस्ट्रेट है, मैंने तो इस सबस्ट्रेट को पकड़ना है, मैंने इसके साथ मिलके लगना है, इसको मदद की ज़रूरत है, कैसे पता चलता है उसको, क्योंकि एंजाइम अपने अंदर सिग्नल दे रहा होता है बैठ के। तो वो जो सिग्नल होते हैं एफिनिटी, जैसे है ना कोई भी ये एक चीज़ है दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ जब अट्रैक्ट हो रही होती है, एफिनिटी होती है और स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि ये ही मेरा शिकार है, मैंने इसी का शिकार करना है, ये मेरा शिकार है, वो किसी और का शिकार है। स्पेसिफिसिटी मींस के मखसूस किसी एक के लिए जो शिकार हो। तो ये एफिनिटी इनके अंदर एक तो अट्रैक्शन आती है, ये जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं ना, जब इसने इसके ऊपर काम करना होता है तो ये इसको सिग्नल देता है,
एफिनिटी स्पेसिफिसिटी दो चीज़ें। अब इसके ऊपर जो टोकरियाँ बनी हुई होती हैं इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट के अंदर सिग्नल होते हैं, ये सिग्नल देते हैं और फौरन आके सबस्ट्रेट मकनतीस की तरह इसके ऊपर ऐसे दड़म करके ऐसे लग जाता है, ऐसे होता है, पड़ा हुआ है, सिग्नल देते हैं, सिग्नल देके ऐसे लग जाता है। तो ये जिन जगहों पे लगता है ना सबस्ट्रेट आके, एंजाइम तो पड़ा हुआ है, सबस्ट्रेट आके लगता है ना, इन जगहों को हम कहते हैं एक्टिव साइट्स। ये एक्टिव साइट्स जो है ये भी प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलके बनी होती हैं, सिग्नल ये भेज रही होती हैं। तो इसकी दो चीज़ें याद रखने वाली हैं कि हाईली स्पेसिफिक और हाई एफिनिटी होती है इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद जब रिएक्शन शुरू हो गया, इनकी मुलाकात होगी, इनका मिलाप हो गया आपस में, अब रिएक्शन हो रहा है, तो अगले ही रिएक्शन में प्रोडक्ट बन जाता है इससे, जो रिक्वायर्ड मींस तोड़ फोड़ कर उसको रिक्वायर्ड चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब वो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, आपने जब खाने का मसाला डाला है एंड पे जब सालन बन गया है और आप लोग खाने के लिए बैठे हैं, वो आपका प्रोडक्ट था। तो अब प्रोडक्ट बन गया है हमारा, हमारा सालन बन चुका है। अब ये सालन हम लोग दे देंगे जिसने खाना है, परोस देंगे जिस बंदे के लिए हमने बनाया है उसको दे देंगे, और ये जो बर्तन था जिस बर्तन के अंदर हमने सालन बनाया था, मैं एंजाइम की बात कर रही हूँ, मैं इस एंजाइम को प्रेशर कुकर की मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ कि जिस प्रेशर कुकर के अंदर हम सालन बना रहे हैं, सालन जब बन जाता है, प्रेशर कुकर मानी एंजाइम, तो ये जो एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम प्रेशर कुकर, ये सालन मुकम्मल तौर पर बना लिया 15 मिनट बाद। अब ये जब बन रहा था ना, आपने नीचे आग का ख्याल रखना है, आग बहुत ज़्यादा, अगर हीट नीचे आग ज़्यादा कर दोगे सालन जल जाएगा, बहुत कम रखोगे सालन पकेगा नहीं, बहुत लेट जाके पकेगा। कहने का मकसद है तकरीबन 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रखोगे इसका तो ये बड़ा अच्छा सालन पकेगा। सालन पकने से मुराद मैं एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन करवा रही हूँ। बन गया जी, अब ये भी अंदर देखोगे कुकर के अंदर मिसाले ठीक है, मानी पीएच ठीक है, पीएच ठीक होनी चाहिए। कुछ एंजाइम्स काम करते हैं एसिडिक पीएच पे, कुछ एंजाइम्स काम करते हैं बेसिक पीएच पे, अल्कलाइन पीएच पे। अच्छा जी, 15 मिनट बाद जिस सालन बन चुका है, अब हम लोग ने क्या करना, सालन को निकाल के एक बर्तन में रख दिया और जहाँ इस्तेमाल होना था हम लोगों ने भेज दिया, मींस प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। प्रोडक्ट बर्तन को दोबारा हम लोगों ने सफाई की, ठंडा किया, धोया शोया, धो शो के इस्तेमाल के लिए दोबारा रख दिया यहाँ पर कि फिर कोई और सामान अंदर आएगा, सालन पकेगा, मींस कोई और सबस्ट्रेट अंदर आएगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में फिर रिएक्शन होगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। और फिर तो ये बर्तन बार बार यूज़ हो रहा है, बर्तन हम फेंक तो नहीं देंगे ना, प्रेशर कुकर फेंक देंगे हम नहीं फेंकेंगे, हम प्रेशर कुकर को बार बार यूज़ करवाएंगे। तो ये अब आपको एंजाइम सबस्ट्रेट की मेरे ख्याल में इससे बेहतर एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकती थी। अब इसके कुछ खसूसियात के बारे में मैंने आपको बताया है, खसूसियात क्या होती हैं। अब ये अगर आप देखो एक ही बर्तन है ना, इसी में बहुत सारे सालन बन सकते हैं। एंजाइम थोड़ा सा होगा लेकिन बड़े बड़े रिएक्शंस करवाएगा। ये नहीं है कि अगर इतना ज़्यादा सबस्ट्रेट है तो इतना ज़्यादा एंजाइम चाहिए ना। नमक का काम करेगा ये, थोड़ा होगा लेकिन मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करेगा। जैसे कि अगर आप सक्रोज की बात करते हैं, अब अगर आप सब्जियां फल खा रहे हैं ना, सब्जियां फल खा रहे हैं, उसके अंदर से सक्रोज निकल रही है, सक्रोज, ठीक है, तो उसके अंदर सक्रोज जो है ना, अब ये इस सक्रोज को तोड़ने फोड़ने के लिए जो एंजाइम आता है ना, उसका नाम होता है सक्रेज, मीन्स के बिल्कुल उसी की तरह का नेम होता है। और हर एंजाइम के एंड पे क्या लफ्ज आता है, एज, प्रोटीन है तो प्रोटीएज, सक्रोज है तो सक्रेज, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, मैं आपको बताऊंगी प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए एंजाइम्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए, सब्जियां फलों के लिए, देसी घी दूध के लिए, इन सब के लिए क्या क्या है ना, मैं ये सारी चीज़ें भी बाद में क्लियर करूँगी। अच्छा जी, अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में बात करी थी, अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा हमें एंजाइम चाहिए, ज़्यादा काम करेगा थोड़ा सा होगा, ठीक है, एंजाइम में। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये पानी में और अल्कोहल में दोनों में अच्छी तरह से हल हो जाते हैं, सॉलेबल हो जाते हैं, लेकिन अगर अल्कोहल बहुत गाढ़ा कर दोगे तो फिर नहीं हल होंगे, मीन्स पतला होना चाहिए अल्कोहल, पानी में और अल्कोहल दोनों में हल हो जाएंगे, लेकिन अगर बहुत गाढ़ा कर दोगे अल्कोहल तो फिर हल नहीं, इनसॉलेबल, इनप्रिसिपिटेटेड अल्कोहल, ये बात याद रखनी है। दूसरा है कैटालिटिक प्रॉपर्टी के, इसके अंदर ये बर्तन है ना, इसके अंदर जितना सालन डालते जाओ, पकाते जाओ, फिर दोबारा पकाया, फिर दोबारा पकाया, मीन्स
जितना ज़्यादा सब्सट्रेट डालोगे एक हद तक कि बर्तन पूरा भर गया, जब बर्तन पूरा भर गया ना उसके बाद ऊपर डालोगे तो सारा ज़ाया हो जाएगा सालन। ये जो प्रेशर कुकर है, ये जो एंजाइम है, इसके साथ जो ये सब्सट्रेट है जो सालन पक रहा है सद मिल के, इसकी जब तादाद अंदर बढ़ाते जाओगे तो रिएक्शन और तेज़ होता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक हद तक, जब तक इसकी बर्दाश्त होगी तो एक लिमिट तक आप इसकी तादाद को बढ़ा सकते हो, इसकी अमाउंट को, सब्सट्रेट की अमाउंट को बढ़ा सकते हो। तो सब्सट्रेट की अमाउंट ज़्यादा करोगे तो एंजाइम करेक्शन भी ज़्यादा होगा, इसी तरह एंजाइम थोड़ा होगा लेकिन वो ज़्यादा सब्सट्रेट पर काम करेगा। ठीक हो गया, बर्तन एक होगा थोड़ा सा होगा, सालन बहुत ज़्यादा होगा तो एंजाइम थोड़ा होगा लेकिन ज़्यादा काम करेगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। फिर उसके अलावा अब जो एक हम एंजाइम की हमेशा बात करते हैं कि ये अगर एंजाइम है ना, ये किससे मिलके बना है? प्रोटीन से मिलके बना है, लेकिन प्रोटीन भी हो सकता है इसमें, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी हो सकता है, मींस कोई और चीज़ से मिलके भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ से मिलके बने। तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्रोटीन वाला हिस्सा, दूसरा होता है नॉन प्रोटीन वाला हिस्सा। प्रोटीन वाले हिस्से को आप क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन वाला जो हिस्सा है वो इधर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्या हो सकता है, कोई भी मददगार हो सकता है, कोई भी मददगार। तो अगर मैं आपको इसकी दोबारा से क्लियर करूं, प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बताना चाह रही हूं आपको मैं, और कोफैक्टर्स के बारे में बताना चाह रही हूं। जैसे अगर मैं हूं ना कि मैं किसी एक जगह पे पढ़ा रही हूं, तो मेरे कोलीग्स मेरे साथ और पढ़ाने वाले मेरे साथ, मेरे मददगार, वो को, उनको को 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 कहते हैं। तो कोफैक्टर जो लफ्ज़ होता है ना बच्चों, ये हम लोग प्रेशर कुकर की बात करें, एंजाइम की बात करें, एंजाइम के दो हिस्से होते हैं, एक मुकम्मल प्रोटीन वाला हिस्सा होता है जिसको आप एपो एंजाइम कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए तो कहना द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। दूसरा हिस्सा होता है नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन क्या हो सकता है? अगर वो प्रोटीन नहीं है तो वो मेटल भी हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। प्रोटीन वाले हिस्से में तो सिर्फ प्रोटीन आएगा, उसको एपो एंजाइम कहते हैं। नॉन प्रोटीन वाले हिस्से में अगर मेटल्स आ जाएंगे तो आप मेटल्स को क्या कहोगे यहाँ पर? कोफैक्टर्स। ये मेटल्स होते हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये मेटल्स जो मदद करते हैं एंजाइम के काम करने में। को का मतलब होता है मदद करने वाला, को मदद करने वाला, फैक्टर्स ये कॉपर जिंक और ये होते मेटल्स हैं। इनऑर्गेनिक मेटल्स क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं और ये मदद करते हैं एंजाइम के काम करने में। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? वो आके ज़बरदस्ती सख्ती से लग जाता है, इसके ऊपर हिलने का नाम ही नहीं लेता। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मीन्स के परमानेंटली बाइंड हो जाएगा इसके साथ जो लगा हुआ होगा, लेकिन इसकी काम में मदद करेगा, वो भी होगा मदद करने वाला। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, कोफैक्टर होता है, ये दो तीन चीज़ें जो आपकी, और को एंजाइम, ये जो है ये सारे नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं। ये प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं, एपो एंजाइम प्रोटीन कंपोनेंट, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट में आपका आ जाता है कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इस सारे को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कंपोनेंट एंजाइम का और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जब दोनों आपस में मिलके एक पूरा एंजाइम आपके सामने लेकर आते हैं तो उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मींस पूरे के पूरे प्रोटीन को हम होलो एंजाइम कहते हैं, प्रोटीन वाले एंजाइम को, और उसके अंदर जो दो उसके हिस्से जिससे वो मिलके बना होता है, या प्रोटीन वाला हिस्सा होता है एक और दूसरा नॉन प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन वाले हिस्से को एपो एंजाइम कहते हैं। नॉन प्रोटीन वाला मेटल भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, कोएंजाइम भी हो सकता है। तो आई गेस आई एम क्लियर टिल देन। इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जो टॉपिक हमारा रह गया है वो हम बिल्कुल पढ़ेंगे, एंजाइम्स के नाम पढ़ेंगे, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट के लिए जो एंजाइम्स हैं वो भी पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं और एंजाइम्स कहाँ कहाँ पर हमारी ज़िंदगियों में इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे खाने पीने में भी ये यूज़ हो रहे हैं, जगह जगह यूज़ हो रहे हैं, आपके ये जो कपड़ों को रंगवाते हैं उसमें यूज़ हो रहे हैं, तो जगह जगह यूज़ हो रहे हैं, इनका क्या काम है, ये इंशाल्लाह ताला वी विल कवर इन द नेक्स्ट। देयर विल बी टू लेक्चर्स ओनली, द फर्स्ट लेक्चर इज़ कवर्ड टुडे एंड द नेक्स्ट
functions of enzymes, factors affecting enzymes and enzymes की types क्या हैं, ये तीनों चीज़ें हम अपने next lecture में पढ़ेंगे. Thank you and Allah Hafiz. Stay blessed.